भारतीय जनता पार्टी अकलियती मोर्चे की जानिब से मैं मुनसिफ टीवी के तमाम नाजरीन और उसके साथ काम करने वाले सभी कारकुनान को मुल्क की आज़ादी की 68वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाला वक्त उन सब के लिए मज़ीद खुशियाँ लाए, खुशहाली लाए, देश तरक्की करे और हम सब उस तरक्की के हिस्सेदार रहें। 68वें यौम आज़ादी पर भारत के सभी शहरियों को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि ये देश तरक्की करे, फले फूले और जिस किस्म का देश के अंदर शांति का वातावरण होना चाहिए, सारे देश में वो शांति का वातावरण फैले। 68वें यौम आज़ादी के मौके पर मुनसिफ टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिनों में देश के तमाम नागरिक, तमाम सिटीजन्स सही माने में आज़ादी का लुत्फ उठाएं, देश को जिस ढंग से आज़ादी की जंग में लोग एक होकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, उसी तरह आने वाले दिनों में एक होकर इस देश को आगे बढ़ाने की, इस देश को तरक्की की राह पर ले जाने की हम सब साथ मिलकर के कोशिश करें। ये मेरा आज के दिन खास करके पैगाम है। और मैं एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन होने के नाते मैं देश की तमाम अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग यकीदे के लोग, अलग अलग देश के जितने भी सूफी संतों में मानने वाले लोग, तमाम को मैं आज अपील करूंगा कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत देश की एकता है। आप तमाम लोग इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए जुड़ जाएं और मजबूती के साथ हमारा जो यहाँ का देश का जो सार्वभौमत्व है उसको टिका रखने की, उसको बनाए रखने की कोशिश करें। इतनी मैं आप सबसे, नाज़रीन से अपील करता हूँ।